बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्लाह की करम फजल से मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो आज की जो रेमेडी है वो बहुत ही सिंपल और सादा है, लेकिन बहुत ही इफ़ेक्टिव है। हम होममेड रेमेडीज से अपने फेस को, अपनी स्किन को नेचुरल ग्लो देते हैं, जिससे कि कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। तो यहाँ पर मैं एक मास्क तैयार करूँगी, वो है नेचुरल ग्रोइंग मास्क, जिसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा आप लोग को। आप इस मास्क को डेली अप्लाई कर सकते हैं, गर्मियों का सीज़न है, गर्मियों में इंसान को पिंपल, एक्नी, स्कार्स का बहुत इशू होता है। तो जब इस मास्क को हम अप्लाई करते हैं तो इंशाल्लाह इससे बहुत फ़र्क होगा। तो यहाँ पर मैंने खुश्क दूध का एक चम्मच लिया है। आपकी स्किन को वाइटनिंग के साथ साथ टाइट करता है और आपकी स्किन को नेचुरल ग्लो भी देता है। गर्मियाँ चल रही हैं तो गर्मियों में मुल्तानी मिट्टी आपकी स्किन के लिए बेस्ट होती है। ये आपकी स्किन को ठंडक देती है, आपकी स्किन से दाग धब्बे भी दूर करती है और आपकी स्किन के जो भी पिंपल आपको इशू होता है दानों का, तो वो भी ख़त्म करती है। तो एक चम्मच हमने इसमें ऐड कर लेना है। अब हमारा पाउडर फॉर्म तैयार हो चुका है और इसमें अभी हम जो तीसरा इंग्रेडिएंट है वो है शहद। आप चाहें तो, अगर आपको एलर्जी है तो फिर आप शहद को स्किप भी कर सकते हैं। यहाँ पर हम तकरीबन एक चम्मच भर के शहद का ले लेंगे। अगर किसी को एलर्जी है तो वो इसे स्किप भी कर सकता है, अदरवाइज़ हम इसमें ऐड करेंगे। लास्ट में हम इसमें ऐड करेंगे गुलाब का अर्क। गुलाब का अर्क रिफ्रेशमेंट हमारी स्किन को देता है, तरोताज़ा रखता है। तो हम इसमें इतना ऐड करेंगे कि हमारा एक पेस्ट तैयार हो जाए। ये एक ज़बरदस्त होम रेमेडी है, इससे आपके पिंपल्स भी ख़त्म होंगे और आपकी स्किन पे एक खूबसूरत निखार भी आएगा। आपने इसे किसी भी टाइम इस्तेमाल करना है, तकरीबन जब ये बिल्कुल मुकम्मल तौर पे ड्राई हो जाए तो आपने सादे पानी से इसे वॉश कर लेना है। इंशाल्लाह इससे आपकी स्किन पे कोई भी साइड इफ़ेक्ट ऐसा नहीं होगा, बल्कि आपकी स्किन एक नेचुरल ग्लो करेगी। आपकी स्किन के जो भी पिंपल एक्नी है वो दूर हो जाएंगे। जितने भी, मतलब मेरी ख्वातीन बहनें हैं जिन्हें पिंपल्स का बहुत इशू होता है, जैसे गर्मियाँ शुरू होती है तो फिर उनकी स्किन बहुत ख़राब हो जाती है, डैमेज हो जाती है धूप गर्मी की वजह से, तो वो इस होम रेमेडी को अगर लगाती हैं तो इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा ही फ़र्क मिलता है, बहुत ही अच्छा इफ़ेक्ट आता है। होम मेड रेमेडी को आपने हफ्ते में 2 से 3 बार लाजमी अप्लाई करना है अपने फेस पर, इंशाल्लाह आपको इससे बहुत फ़र्क मिलेगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है लाइक कर दें, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।